लोगों के ऊपर जो चोर दरवाजों से जो है वो सियासत वो बन जाते हैं तजियाकार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुस्लिम लीग नून के जितने भी रहनुमा हैं बशमूल उज़्मा बुखारी हो या कोई और हो, जब भी कोई साफी इमरान खान साहब के हक में थोड़ी बात करता है और या इन्होंने जो 15 महीने में जो तबाही मचाई है उनके ऊपर बात करता है तो इनको काफ़ी मिर्ची लगती है। उज़्मा बुखारी ने अरशाद भट्टी के ऊपर लानते भेजी है, लेकिन जिस तरह अरशाद भट्टी ने फिर उज़्मा बुखारी को अपनी जो माजी की औकात है वो याद दिलाई है कि किस तरह उन्होंने शरीफ ख़ानदान को पहले राका एजेंट कहा और अब जाकर उनकी सफ़ों में कड़ी है, तो उसके ऊपर उज़्मा बुखारी की जो हालत हुई वो देखने के काबिल है। इन दोनों के दरमियान जो शदीद लड़ाई हुई, आपको ये गुफ्तगू सुनवाते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। मेरी भी लानत है उन लोगों के ऊपर जो पेड रोल्स की तरह काम करते हैं। मेरी लानत है उन लोगों के ऊपर जो किसी के एजेंडे के ऊपर काम करते हुए दूसरों के झूठे इल्जाम आते जाते हैं। मेरी लानत है उन लोगों के ऊपर जो सियासतदानों के खिलाफ जो है वो एक किसी मुहिम का हिस्सा होते हैं और मुहिम किसी में जो है वो पाट देते हैं, जो चोर दरवाजों से जो है वो सियासत वो बन जाते हैं तजियाकार। मेरी लानत भेजता हूँ उस पर जो कल हाउस ऑफ शरीफ को राह का एजेंट कह रहे थे और आज उनके साथ खड़े हुए। ये दोनों राक एजेंट थे, उसका शरीफ ये उज़्मा बुखारी कह रही थी जब गवर्नर तस्वीर होता था उस वक्त उनके साथ थी। आज राक एजेंट मुझे मतलब लानत है ऐसे लोगों पे जिन्होंने सियासत को तबाह कर दी, जो तबाह कर दी। लानत है ऐसे लोगों पे जो कल उस तरफ खड़े होते हैं कल इस तरफ खड़े होते हैं। लानत है ऐसे लोगों पर जो जिनका कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाक नहीं। ये कैसे लोग हैं कि जो कल हमें कोई और भाषण देते हैं, ये हाल है इनका। और गुफ्तगु आपने सुन ली कि किस तरह उज़्मा बुखारी ने इरशाद भट्टी की सहाफत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, मगर जब इरशाद भट्टी ने उन्हें कहा कि आप तो एक ज़माने में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को राह का एजेंट कहती थी तो आपके ऊपर भी लानत है कि आप में इतना दोगलापन है और आज आप उनकी सफ़ों में कड़ी है, तो उसके ऊपर उज़्मा बुखारी ने फिर इरशाद भट्टी को बोलने भी नहीं दिया और बीच में मुसलसल बोलती रही। इस हवाले से आप भी अपनी राय दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।